अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि हमने डिस्कस किया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, और हमने लूप्स को भी डिस्कस किया था, और फंक्शंस को हमने डिक्लेयर करने का तरीका देखा था कि किस तरह से हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं और किस तरह से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो उसी से हम आगे चलते हैं अपने इस लेक्चर नंबर 10 में। हम फंक्शंस को ही आगे लेकर चलेंगे और देखेंगे कि वो कौन कौन से फंक्शंस हैं मजीद जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे के फंक्शंस जो के इनपुट या आउटपुट वैल्यूज के साथ होते हैं, जो कुछ ना कुछ इनपुट ले रहे होते हैं और कुछ ना कुछ हमें आउटपुट दे रहे होते हैं, उन फंक्शंस को हम किस तरह से डिफाइन कर रहे होते हैं और किस तरह से हम अपने प्रोग्राम में उन्हें कॉल कर रहे होते हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी उसी गिटहब लिंक पे जाता हूँ। तो ये आपके सामने गिटहब लिंक ओपन है और आप ये देख सकते हैं कि अब हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, दैट इज फंक्शन विद पैरामीटर्स। क्या पैरामीटर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैं इस कोड को यहाँ पर कॉपी करके ले आता हूँ और उसके बाद फिर आपको इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ कि इस कोड में हमारे पास क्या हो रहा है। अच्छा, ये तो आप जानते होंगे कि ये हमारे पास डिफाइन का कीवर्ड है जो कि किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे मैंने एक नाम लिख दिया हेलो टू, और इसके अंदर ब्रैकेट्स, जो मैंने पिछले केस में सिर्फ एक ब्रैकेट्स रखी थी, इस केस में मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर एक वेरिएबल पास कर दिया नेम। इस नेम को, ये जो वेरिएबल है, ये नेम का वेरिएबल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर मैंने एक से ज्यादा वेरिएबल्स बनाने हो तो, यानी यहाँ पर पास करने हो, तो मैं कोमा लगाकर यहाँ पर एक से ज्यादा वेरिएबल पास करता हूँ। लेट्स सपोज एक्स वाई जी, मैं जितने मर्जी नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर पास कर सकता हूँ। अब ये जो वेरिएबल्स हैं, ये तमाम तर वेरिएबल्स जिनको हम कहते हैं फंक्शन के पैरामीटर्स, ये हमारे पैरामीटर्स होते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करते टाइम जब हम राउंड ब्रैकेट्स में उसके कुछ वेरिएबल स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, तो उन तमाम वेरिएबल्स को हम पैरामीटर्स कहते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स ऐसी वैल्यूज होती हैं जब हमारा फंक्शन कॉल होगा तो कॉल होने के टाइम उस फंक्शन को लाजमी ये इनपुट्स रिक्वायर होंगे जो हमने पैरामीटर्स में पास किए हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर नेम पास किया है, इसका मतलब है कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो उस टाइम पर मुझे इस नेम वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू इस फंक्शन को पास करनी पड़ेगी। बगैर कोई वैल्यू पास किए मैं कभी भी इस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता। तो जब भी मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा तो कोई ना कोई एक वैल्यू जो मुझे पास करनी पड़ेगी, जो इस नेम के वेरिएबल में जाके स्टोर होगी। अब जो वो नेम के वेरिएबल में जाकर, वो जो भी मैं वैल्यू उसको पास करूंगा वो जाकर नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, और नेम के वेरिएबल में स्टोर होने के बाद वो जो वैल्यू है, उस वैल्यू को मैंने इस फंक्शन के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करवाया, और मैंने एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पर लिखा कि सबसे पहले हमारे पास हेलो का एक वर्ड आए, और उसके बाद वो जो भी नेम की वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर हुई है, जो कि हमने फंक्शन को एज एन इनपुट पास की है, वो वैल्यू हमारे पास आगे आ जाए। तो अब ये मेरे पास एक ऐसे फंक्शन की एग्जांपल है जो हमारे पास एक इनपुट गेट कर रहा है, और फिर उस इनपुट नेम को लेकर उसके स्टार्ट पे हेलो लगा के हमें प्रिंट करके दे रहा है। तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ हेलो टू, और जब मैं इसको इस तरह से कॉल करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि ये फंक्शन क्या करेगा, एक नेम रिक्वायर्ड करेगा, एक वैल्यू रिक्वायर्ड करेगा जो कि नेम के वेरिएबल के लिए होगी। तो जैसे ही मैं इसको कॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एरर आ जाएगा, और वो कहेगा कि मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट नेम, कि आपने इस फंक्शन के अंदर एक आर्गूमेंट पास नहीं किया जिसका ना, जो कि नेम की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक आर्गूमेंट पास कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इस नेम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो, और इसी के थ्रू सारी कैलकुलेशन आगे होगी, क्योंकि मैंने फंक्शन को डिफाइन करते वक्त बताया था कि ये फंक्शन इनपुट जब लेगा, जब फंक्शन कॉल किया जाएगा तो ये लाजमी एक इनपुट लेगा, जो इनपुट क्या होगा, नेम होगा। अब ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पर पास किया, इस वैल्यू को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट, और ये जो वेरिएबल मैंने यहाँ पर पास किया है, इस वेरिएबल को हम कहते हैं पैरामीटर्स। तो फंक्शन को डिफाइन करते टाइम डबल ब्रैकेट्स में हमारे पास जो भी हम लिख रहे होते हैं, दे आर द पैरामीटर्स, और फंक्शन को कॉल करते टाइम जो भी हम लिख रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स। तो अब मैंने जैसे ही यहाँ पर एक नेम की वैल्यू पास की, ये जाके नेम में स्टोर होगी, और उसके स्टार्ट पे हेलो लिख के वो नेम प्रिंट होके आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे नाम के स्टार्ट पे हेलो लिख के इसने प्रिंट करके दे दिया। तो इस फंक्शन को मैं किसी और वैल्यू के साथ भी कॉल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर ऐसे लिखूं हेलो टू, और यहाँ पर मैं कोई और नाम लिख दूं अली, तो इसके साथ भी ये मेरे पास फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो जो भी मैं इनपुट दूंगा, नेम की वैल्यू दूंगा, उसके साथ ये फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन उसके स्टार्ट पे हेलो लगा के प्रिंट करके दे देगा। तो ये तो मेरा वो फंक्शन था जो कि कॉल होने से पहले मेरे से लाजमी एक इनपुट रिक्वायर कर रहा था। तो ये हमारे एक फंक्शन इस तरह के होते हैं
कि जो कि ना तो हमें कुछ हमसे ले रहे होते हैं ना तो हम हमें कुछ दे रहे होते हैं, वो वाले फंक्शन हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ना तो हमसे कुछ लेते हैं ना ही कोई इनपुट लेते हैं ना ही हमें कोई आउटपुट देते हैं। और एक फंक्शन हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया जो हमसे इनपुट तो ले रहे हैं और इनपुट उन्हें देना लाजमी है लेकिन वो हमें कुछ आउटपुट नहीं दे रहे। आउटपुट से मुराद ये कि ये फंक्शन सिर्फ अपना काम कर रहा है, ये उस नाम को जो हम इसे दे रहे हैं वो प्रिंट करके दे रहा है, एट द एंड हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, हमें कोई वैल्यू वापस नहीं कर रहा, तो ये हमें आउटपुट तो नहीं दे रहा लेकिन ये हमसे इनपुट रिक्वायर कर रहा है। अब हम उन फंक्शन को देखते हैं जो हमसे इनपुट भी लेंगे और हमें कोई आउटपुट की वैल्यू रिटर्न भी करेंगे। वो जो रिटर्न करेंगे उस वैल्यू को हम किसी ना किसी जगह स्टोर करवा लेंगे और उसके बाद फिर उस वैल्यू को हम यूज भी कर सकते हैं। तो उन फंक्शंस की एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये मेरे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो इसी तरह के फंक्शंस की है, तो मैं इसी एग्जांपल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करता हूँ। अब इस केस में आप देखें कि मेरे पास ये जो हेलो थ्री है, ये हमारे पास हेलो थ्री एक फंक्शन है और उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर स्पेसिफाई किया है, यानी ये इसका एक इनपुट है। उसके बाद मैंने आगे एक स्ट्रिंग बनाया है और उस स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पर लिखा है कि वो स्ट्रिंग कैसे बनेगा कि जो भी मैं नेम की वैल्यू पास करूंगा उस नेम की वैल्यू के स्टार्ट पे हेलो लगा के एक पूरे का पूरा स्ट्रिंग बनेगा, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनेगा, एक स्ट्रिंग वैल्यू बनेगी और वो वैल्यू ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा। अब जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा नेम के पैरामीटर की कोई भी वैल्यू दे के, कोई भी आर्ग्यूमेंट दे के, तो ये फंक्शन उस वैल्यू के स्टार्ट पे हेलो लगा के एक स्ट्रिंग बनाएगा और वो स्ट्रिंग मेरी तरफ थ्रो करेगा। अब जो वो स्ट्रिंग मेरी तरफ थ्रो करेगा उस स्ट्रिंग को कैच करने के लिए मैं किसी वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकता हूँ और फिर कैच करके मैं उस वेरिएबल में स्टोर करवा सकता हूँ और फिर उसे मैं देन आगे प्रिंट करवा सकता हूँ या जो भी मैंने उससे काम लेना है मैं वो करवा सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि मुझसे एक इनपुट भी रिक्वायर कर रहा है और लास्ट पर मुझे एक स्ट्रिंग भी रिटर्न कर रहा है। इससे पहले जो हमने फंक्शन देखा ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, ये जस्ट उस नेम के स्टार्ट पे हेलो लगा के डिस्प्ले करवा रहा था। ये फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन हमारे पास डिस्प्ले नहीं कर रहा। तो अब जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैंने इस फंक्शन को कॉल किया और हेलो थ्री के फंक्शन को, तो इसके अंदर मैंने जब अपना नाम पास किया तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये मेरे नाम के स्टार्ट पे हेलो लगा के एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ये स्ट्रिंग को डिस्प्ले नहीं करवा रहा बल्कि एक स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है। आप ये देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जब मैंने इसको यहाँ पर डिस्प्ले करवाया था प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू, तो यहाँ पर मेरे पास जो आउटपुट आया है वो आउटपुट क्या है, हेलो कामरान लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास अगर देखें जो आउटपुट है वो एक स्ट्रिंग आया है, इसका मतलब कि इसने डिस्प्ले नहीं करवाया इसको बल्कि इसने एक स्ट्रिंग रिटर्न किया, वो स्ट्रिंग यहाँ पर मेरे पास आ गया। इस स्ट्रिंग को मैं किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ एक्स, कि एक्स के अंदर इस स्ट्रिंग को स्टोर कर दे। तो जैसे ही मैंने एक्स लिखा तो वो जो स्ट्रिंग ये रिटर्न कर रहा है इसको एक्स में स्टोर करवा लिया गया और फिर जब नेक्स्ट स्टेप में मैं इस एक्स को प्रिंट करवाऊं तो एक्स के अंदर वही स्ट्रिंग है जो इस फंक्शन ने मेरे पास रिटर्न करवाया था, ये आप देख सकते हैं। तो ये तीसरी टाइप के फंक्शन होते हैं जो कि हमसे कुछ ना कुछ इनपुट भी ले रहे होते हैं और हमें कुछ ना कुछ रिटर्न भी कर रहे होते हैं। एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर एक न्यू कीवर्ड हमने देखा है, दैट इज रिटर्न। रिटर्न जिस फंक्शन में होगा इसका मतलब वो फंक्शन कोई ना कोई आउटपुट रिटर्न कर रहा है। इससे पहले जो फंक्शन देखा था इसके अंदर रिटर्न नहीं था, इसका मतलब ये फंक्शन इनपुट तो ले रहा है, पैरामीटर तो था इसके पास लेकिन ये हमें आउटपुट कोई नहीं दे रहा। यहाँ पर पैरामीटर है, इनपुट है, साथ रिटर्न का कीवर्ड है। जब रिटर्न का कीवर्ड होगा और उसके आगे कोई ना कोई एक्सप्रेशन होगा या कोई ना कोई वैल्यू लिखी होगी तो इसका मतलब वो फंक्शन हमें आउटपुट भी किसी ना किसी अंदाज में दे रहा होगा। तो ये तीसरी टाइप के फंक्शन हमने पढ़ लिए जो कि हमसे कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी ले रहे होते हैं और हमें कोई ना कोई वैल्यू भी रिटर्न कर रहे होते हैं। अब उसके बाद हम आगे आते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स को इसी के थ्रू देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया सम का और इसके अंदर मैंने क्या किया है, दो पैरामीटर्स पास कर दिए ए और बी और फिर मैंने इस दो पैरामीटर्स जो भी ए और बी की वैल्यू एंटर की जाएगी उन दोनों को मैंने ऐड करके एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर करवा दिया सी में और फिर लास्ट पे मैंने उस सी को क्या किया, रिटर्न कर दिया। तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा सम वन को तो ये मेरे पास दो वैल्यू रिक्वायर करेगा कि ये कहेगा कि फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर। जो भी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर मैं इसमें पास करूंगा वो जाकर ए और बी में स्टोर हो जाएगा और फिर उसके बाद इनकी कैलकुलेशन के बाद जो भी आंसर आएगा वो मुझे रिटर्न करेगा। जैसे ही रिटर्न करेगा तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल, एक कीपर मैंने रख लिया एक्स, जो कि उस वैल्यू को कैच करके अपने पास स्टोर कर लेगा और देन फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने आगे उसे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये एक सेकंड केस आता है, दैट आर द डिफॉल्ट पैरामीटर्स। अब ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या है,
कि लेट्स सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया सम टू का, उसमें मैंने ए इज इक्वल टू 20 रख दिया और बी इज इक्वल टू 50 रख दिया। जिस टाइम पे मैंने फंक्शन डिफाइन किया उसी टाइम पे मैंने फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स बताए थे, पैरामीटर्स की जो वैल्यूज थी, बजाय इसके कि मैं फंक्शन को कॉल करते टाइम बताता, मैंने पैरामीटर्स की वैल्यू उसी टाइम पर स्पेसिफाई कर दी कि ये जो फंक्शन जो ए और बी पैरामीटर्स लेगा इनकी वैल्यूज ये होंगी, यानी आर्गुमेंट्स मैंने फंक्शन को डिफाइन करते टाइम ही सेट कर दिए। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे यहाँ पर अगर मैं कुछ आर्गुमेंट्स देता हूँ, मैं इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, ये मैं आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, यानी जैसे ही मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ, अब रन करने के बाद मैं इस सम टू के फंक्शन को कॉल करता हूँ 12 के साथ और 3 के साथ, तो ये आप देखेंगे कि मेरे पास एक वैल्यू रिटर्न होगी 15 जो कि आंसर में स्टोर होगी और आंसर यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर दो पैरामीटर्स दिए हैं ए और बी। अगर मैं इन दो पैरामीटर्स को स्पेसिफाई नहीं करता और मैं इस फंक्शन के अंदर कोई भी इनपुट पास नहीं करता तो फिर भी ये फंक्शन मेरे पास एग्जीक्यूट होगा और इसकी आउटपुट आएगी, इस केस में मेरे पास कोई एरर नहीं आया। उसकी वजह ये है कि ये फंक्शन जो है इसके अंदर मैंने डिफाइन करते टाइम ही ए और बी की वैल्यू सेट कर दी थी। इसका ये मतलब है कि अगर ये फंक्शन कोई भी इनपुट ना ले रहा हो तो बाय डिफॉल्ट इनके जो पैरामीटर्स की वैल्यू होगी, ए की जगह 20 स्टोर करवा देना और बी की जगह 15 स्टोर करवा देना, उसके साथ इसकी कैलकुलेशन करके एक हमें वैल्यू रिटर्न कर देना। तो अगर मैं इसके अंदर कोई भी पैरामीटर, कोई भी आर्गुमेंट पास करता हूं तो उसके साथ कैलकुलेशन एडिशन परफॉर्म हो जाएगी और मेरे पास उसका आंसर रिटर्न हो जाएगा, और अगर मैं इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट्स पास नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यूज होती हैं उनके साथ इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसे हम फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर्स कहते हैं, कि हम ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि अगर हम फंक्शन के अंदर कुछ पास करेंगे तो वो कुछ वैल्यूज के साथ काम करेगा, और अगर हम उसके अंदर कुछ भी पास नहीं करेंगे तो उसकी कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज हैं जिनके साथ वो काम कर लेगा, यानी वो फंक्शन के अंदर एरर नहीं आएगा, वो अपनी डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ प्रोसेस हो जाएगा। आपको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में फॉर लूप को डिस्कस किया था, तो फॉर लूप के अंदर हमने एक रेंज फॉर का फंक्शन डिस्कस किया था। रेंज के फंक्शन में हमने देखा था कि जब हम ये स्पेसिफाई नहीं करते कि स्टार्टिंग रेंज क्या होगी जहां से नंबर जनरेट होना स्टार्ट होने हैं, और जब हम स्पेसिफाई नहीं करते कि स्टेप की वैल्यू क्या होगी, तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू जीरो से होती है, जीरो से नंबर जनरेट करना स्टार्ट होता है, और स्टेप की वैल्यू जब स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वन के स्टेप से, वन के गैप से क्या करता है, नंबर्स जनरेट कर रहा होता है। तो वहां पर भी जो बिल्ट इन फंक्शन है रेंज का, वहां पर भी उनकी कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट हुई होती है कि अगर यूजर स्पेसिफाई ना करे तो उसने अपने डिफॉल्ट वैल्यूज के मुताबिक किस तरह से उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। आज की क्लास में हम यहाँ तक ही खत्म करते हैं, ठीक है, और ये हमारा फंक्शन का टॉपिक था। उम्मीद है यहाँ तक आपको फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ आ जाएगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रीमलेट यूआई क्या होती है। थैंक यू।